Hello learners, welcome to Practice Cafe, and today in part 12 of Indian Dalit Literature we are going to cover the MCQs related to the Dalit writer Bama. Inka pura naam hai Bama Faustina Susairaj. So first question dekhte hain. Bama was born in hamare samne options hain 1956, 1958, 1960 or 1968. So the right answer of this question is option B, 1958. Next question, Bama is a. तो हमें ये बताना है कि इनमें से जो बामा राइटर हैं उनकी क्या पहचान है. ऑप्शंस हैं हमारे सामने मराठी दलित फेमिनिस्ट, ऑप्शन बी तमिल दलित फेमिनिस्ट, टीचर एंड अ नॉवलिस्ट, ऑप्शन सी है बंगाली राइटर, ऑप्शन डी है गुजराती राइटर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी तमिल दलित फेमिनिस्ट, टीचर एंड नॉवलिस्ट. सो जो बामा है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय बामा इज. तो हमें बताना है कि जो बामा है राइटर जो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है उसका नाम क्या है. ऑप्शंस हैं हमारे सामने संगति, बी करुक्कु, सी अनटचेबल गॉड या डी अक्कारमाशी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी करुक्कु. देखिए बाकी जो इसके अंदर तीन ऑप्शंस और दिए गए हैं उनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है संगति इसके बारे में हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में जानेंगे, और जो ऑप्शन सी है अनटचेबल गॉड वो कंचा इलाइया का एक बहुत ही फेमस वर्क है, और जो ऑप्शन डी है अक्कारमाशी उसको हम अपने शरण कुमार लिम्बले के नाम से जो मैंने वीडियो बनाया था जो राइटर मैंने कवर किया है उसमें हम अक्कारमाशी को बहुत ही डिटेल से कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर इंडिया दलित राइटर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप सारे दलित राइटर्स के वीडियोस देख सकते हैं. तो उसमें अक्कारमाशी को हमने बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया है. नेक्स्ट करुक्कु के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ. उन्होंने करुक्कु के बारे में ये लिखा है दैट बुक वॉज रिटन एज अ मीन्स ऑफ हीलिंग माई इनवॉल्ड वूंड्स, आई हैड नो अदर मोटिव. तो देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के बारे में लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है करुक्कु वॉज पब्लिश्ड इन. तो हमें करुक्कु के पब्लिश होने का ईयर बताना है. ऑप्शन है हमारे सामने 1989, 1992, 1996 या 1998. So the right answer of this question is 1992. Next question देखते हैं. Which of the following is incorrect about करुक्कु. तो हमें ये बताना है कि ये जो इनका autobiographical novel है इस बारे में क्या जो fact है वो सही नहीं है. Options हैं हमारे सामने. It chronicles the joys and sorrows experienced by Dalit Christian women in Tamil Nadu. Next, it won the Crossword Book Award in 2000. C, it was translated into English by Lakshmi Holmstrom in 2000. Yeah, option D, all of the above are correct. So, is question ka right answer hoga. All of the above are correct. Ek bar fir se in facts ko dekh lete hain. It chronicles the joy and sorrows experienced by Dalit Christian women in Tamil Nadu. So, Tamil Nadu se ye jo writer hain, Bama, ye belong karti hain. तो इनके जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं उनको एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में कलेक्ट किया है. नेक्स्ट है इट वॉन द क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड इन 2000. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये. नेक्स्ट है इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई लक्ष्मी होलमस्ट्रॉम इन 2000. तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है. जितनी भी ऑटोबायोग्राफीज दलित राइटर्स द्वारा लिखी गई हैं चाहे वो उनकी नेटिव लैंग्वेज में लिखी गई हैं उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. संगति बाय बामा इज अ. तो हमें ये बताना है कि जो हमने पहले एक प्रीवियसली क्वेश्चन देखा है उसमें ये ऑप्शन जो ए था वहाँ पर था. तो मैंने आपको ये बताया था कि हम आगे आने वाले क्वेश्चन में इसे डिस्कस करेंगे. तो हमें बताना है कि संगति जो है ये एक बामा ने एक वर्क लिखा है ये क्या है, कौन सी लिटरेरी जॉनरा में आता है. ऑप्शन है हमारे सामने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, नॉवल,
कलेक्शन ऑफ एसेज या ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी तो हम देख ही चुके हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो है करुको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैरम्स कैरम्स आर एंड अदर स्टोरीज बाय बामा इज अ। देखिए नाम पे मत जाइएगा, नाम से अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस है हमारे सामने कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, अ नॉवल, मेमोयर या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ नॉवल। तो देखिए ये जो बेसिकली है ये एक नॉवल है, ये जो हैरम्स कैरम्स आर एंड अदर स्टोरीज, तभी मैंने आपको बताया था कि नाम पर मत जाइएगा, इट इज़ बेसिकली अ नॉवल एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरम्स कैरम्स आर एंड अदर स्टोरीज रिटन बाय बामा इज ट्रांसलेटेड बाय। तो अब हमें इसका ट्रांसलेटेड वर्जन बताना है कि वो किसने ट्रांसलेट किया है। ऑप्शंस है हमारे सामने मालिनी शेषाद्री, लक्ष्मी होमस्ट्रॉन्ग, एन रविशंकर या जूपका सुभद्रा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एन रविशंकर। देखिए एक और फैक्ट मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बामा रिसेंटली पब्लिश्ड एन एसे इन सिंगल बाय चॉइस हैप्पीली अनमैरिड वुमेन एडिटेड बाय कल्पना शर्मा, अ कलेक्शन ऑफ 13 एसेज बाय अनमैरिड वुमेन इन इंडिया टॉकिंग अबाउट देयर सिंगलहुड। इन हर एसे शी टॉक्स अबाउट हर चॉइस ऑफ बीइंग अ सिंगल प्रोफेशनल दलित वुमन इन इंडिया। तो देखिए एक 13 जो एसेज हैं उनका कलेक्शन है ये, अलग अलग 13 राइटर्स द्वारा लिखा गया है, जो अनमैरिड हैप्पीली अनमैरिड वीमेन हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है। दिस एसे वाज एडिटेड बाय, मींस दिस कलेक्शन ऑफ एसेज बाय एडिटेड बाय कल्पना शर्मा, और इनमें से जो एक एसे है वो बामा ने लिखा है, और इस एसे में उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है अबाउट बीइंग अ सिंगल प्रोफेशनल दलित वुमेन वो उन्होंने शेयर किया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में।